हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मामी किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का सस्ता और सुविधा नाश्ता, और बहुत झटपट से बन जाता है ये नाश्ता और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिए हैं, हमने दो अंडे ले लिए हैं, इसमें तोड़कर रख देते हैं। हमने इसमें अंडे को तोड़कर रख दिए हैं। इसमें हम चीनी ले लिए हैं, ये 2 चम्मच के करीब चीनी है, इसमें ऐड कर देते हैं। हमने 1 गिलास दूध ले लिए हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसको साइड करते हैं और ब्रेड ले लेते हैं। हमने ब्रेड ले लिए हैं, इसको किनारा से हम कट कर लेते हैं चाकू से। इस तरह से कट कर लेंगे सारे ब्रेड को। इसको साइड करते हैं, दूसरा को भी हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। देखिए, इसी तरह हम सारे ब्रेड को कट कर लेते हैं। हमने सारे ब्रेड को कट कर लिए हैं, एक बाउल ले लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिए हैं, इसमें इस ब्रेड को रख देते हैं। जो हमने मिक्सर बना कर रखा था अंडा का दूध का, इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। जैसे हम इस पर ऐड कर देते हैं, इस पर दूसरा ब्रेड को भी रख देते हैं। हम सारे ब्रेड को रख कर रखते हैं। देखिए इसी तरह से तरह से हम इसको अच्छे से इसको इसमें भिगो देंगे। देखिए, अब इसको हम एक सॉसपैन ले लेते हैं, उसको हम गैस पर रख देते हैं। एक सॉसपैन ले लिए हैं, इसको गैस पर रख दिए हैं हीट होने के लिए। 1 मिनट तक ले इसको हीट करेंगे हाई फ्लेम पर। 1 मिनट हो गया है, हीट हो गया है, गैस को फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें हम ऑयल रख देते हैं। आप ऑयल के जगह पर घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। इसमें जो हमने ब्रेड बना कर रखा था, इसमें ऐड कर देते हैं। देखिए, गैस को फ्लेम को लो रखेंगे। इसी तरह से हम लो फ्लेम पर इसको सेद लेंगे एक तरफ से। जो अंडे हमने बच गया था, इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम इसको सेद, ये हमने सेद लिए हैं, इसको पलट देते हैं। इस तरीके से हम इसको पलट देते हैं। अब दूसरे तरफ से भी हम इसको इसी तरह से एक तरफ से सेद लिए हैं, अब दूसरे तरफ से भी हमने सेद लिए हैं। अब इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से। इसको हम थोड़ा देर इसको पकड़ कर, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको चारों तरफ से हमने इसको सेद लिए हैं अच्छे तरीके से, देख सकते हैं आप। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम आपको काट कर दिखाते हैं कि ये हमारा रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। ये कितना टेस्टी बना है, जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। तो आप अपने बच्चों के लिए टिफिन में बनाइए या लंच बॉक्स में बनाइए। हम आपको इसको कट कर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसको कट कर लिए हैं, कितना अच्छा बना है, कितना सॉफ्ट बना है। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले रेसिपी में। बाय।